भाई इसकी मोटर कहाँ है यार, मोटर ही नहीं है, तू ये बांध रखा सब। बट भाई इसका ना हॉर्न भी नहीं बजता, हॉर्न बजाने के लिए इसमें सिस्टम दिया गया है यहाँ पे, इस वाले जुगाड़ से भाई इसका पूरा काम किया गया था। तो भाई अब जाके सिस्टम ठीक है। जो आज हो रही है चेकिंग, जहाँ पर हमारा लास्ट टाइम चलान हुआ था 5000 का। यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे अलॉयज है भाई। तो भाई लोगों फिलहाल क्लास खत्म हो चुकी है और भाई 2 बजने वाले हैं। फिलहाल भाई गाड़ी का हो चुका है डन सिस्टम। तो भाई अब चलते हैं सबसे पहले रूम, देन भाई उसके बाद कराते हैं डॉक्यूमेंटेशन। तो भाई लोगों मेरे आगे देखो भाई, रामपुर बोशियर की गाड़ी 0231 रामपुर। रूम भाई हम पहुंच चुके हैं, अब देखते हैं क्या सिस्टम बनता है। तो मेरे हिसाब से भाई अगर गाड़ी लेने का प्लान बनता है तो भाई बाइक में तो हम नहीं जाएंगे, तो हम भाई इन ड्राइव से अपने लिए कर लेंगे बुक कुछ ना कुछ। भाई नंबर देखो फिलहाल यहाँ पर लगाते लॉटरी को, बाद में देखते। सो नमस्कार दोस्तों, वैसे कैसे हो आप? तो भाई स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो भाई ये है अपना नेक्स्ट डे। तो भाई पिछले कल हम गाड़ी देखने आए थे, बट कल अपना जो काम है वो एफिडेविट वाला नहीं हुआ था, इस चक्कर में भाई अपना जो काम है वो भाई पोस्टपोन हो चुका था आज के लिए। और आज हम भाई सेक्शन सर अपना जो काम है वो डन कर दिया है। अभी मैं जा रहा हूँ दोस्तों बुड़ैल की ओर, क्योंकि भाई थोड़ा बहुत पावर विंडो का थोड़ा सा कह सकते हो फॉल्ट है, एक भी बटन है भाई अपना ड्राइवर साइड का वो चलता नहीं है। तो बुड़ैल में देखते भाई कोई यूज हमें भाई इजली मिल जाएगा, तो देखते हैं वहाँ जाकर क्या होता है। अभी भाई फ्यूलिंग भी करवानी है, फ्यूलिंग भी करवा देंगे। देन भाई अभी सबसे पहले पावर विंडो का देख लेते हैं, भाई पावर विंडो का खुलना बहुत ज़रूरी है ड्राइवर साइड से, तो देखते क्या बनता है। फिलहाल भाई मिलते हैं आप आपके डायरेक्ट बुड़ैल में, थोड़ा बहुत आपको भाई बुड़ैल मार्केट भी दिखा देंगे। चलो भाई हो चलो भाई लोगों, फिलहाल हम हो चुके हैं एंटर भाई अभी बुड़ैल में। तो भाई यहाँ देखो स्टार्टिंग से ही कितने प्यारे प्यारे अलॉयज है भाई यहाँ पर, आप देख सकते हो भाई साहब। चल भाई आपको ना एसी की आवाज़ आएगी ऐसे से, एसी करते बंद। चल भाई आप यहाँ पर देख सकते हो अलॉयज ही अलॉयज है भाई इस वाली मार्केट में, मतलब यहाँ से जब एंटर करते हो आगे तक यहाँ से भाई अलॉयज ही अलॉयज है। तो मैंने भाई अपने ना दोस्त के थोड़े बहुत सामान का पता भी करना है, तो वो भी पता करेंगे। चलो यार फिलहाल आप अलॉयज देखो, आराम आराम से चलता हूँ। तो भाई वो पता नहीं भाई कैमरा कैसे ऑफ हो गया। फिलहाल हम बुड़ैल पहुंच चुके हैं, मेरे ख्याल से भाई पहले वाली वीडियो शूट नहीं हुई होगी, ऐसा भी हो सकता है यार, ऐसे गर्मी लग रही है तो एसी चलाते हैं। है ना आप यहाँ पर अलॉयज वगैरह देखो, बाकी मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगा। हवा थोड़ी ना भाई गलत जगह आ रही है। सो भाई देखो यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे अलॉयज है भाई। ये है मंजीत भाई जो थर्ड नंबर की शॉप है, इनसे वैसे बातचीत हुई। और भाई यहाँ पर हमने सेट का चेंज कराया था इंजन इसी पॉइंट पे, और मैं आपको एक बार भाई शॉप भी बताता हूँ। वो शॉप है ये वाली भाई अरोरा टायर, जहाँ पर लिखा है ना भाई, यहाँ पर मैंने करवाया था अपना इंजन चेंज रिसेंट का, मतलब यहाँ से लिया था चेंज, तो भाई कहीं और ही करवाया था। यार भाई हम स्विच का पता करेंगे अब, माउंट करने के भाई गोप्रो माउंट करने वाला जो अपना सिस्टम है भाई, वो पता नहीं उसका एक जो है ना नट सा भाई वो हो गया गायब, उस वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत है, नहीं तो मैं अपने गोप्रो को क्या भाई एक्शन कैमरे को भाई कहीं ना कहीं फिट कर लेता भाई। यार वैसे गाड़ी अब कहीं साइड लगाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि ऐसे भाई पार्ट्स का पता नहीं चल पाएगा। चलो भाई अब चलते हैं मार्केट की ओर, पता करते हैं कहाँ पर भाई हमें इसका स्विच मिलेगा, देन स्विच लेते हैं और भाई चेक करते हैं क्या सिस्टम है इसका। तो भाई लोगों फिलहाल अभी हमें बुड़ैल में बड़े मुश्किल से भाई एक बंदा मिला जो रिपेयर कर देगा 300 में, बाकी इसका जो भाई ओल्ड वाला वो मिल नहीं रहा, नया भी भाई मिलना चांसेस लो है। चलो अपनी गाड़ी को ले चलते हैं, क्योंकि भाई इस स्विच का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है भाई। इसका जो पावर स्टीयरिंग है मतलब स्मूथ काफ़ी है वैसे। तो यहाँ पर भाई है महालक्ष्मी मोटर भाई, तो यहाँ पर लगाते गाड़ी। चलो भाई देखते हैं अभी रिपेयर होता है या नहीं, खुला ही है चिपका रखा पूरा है। ओके
कार तो वारिंग डाली मेरे खास की यार, कोशिश यही चल रहा है। पेन की सुच तो नहीं दबा रहे क्या अंदर? ये साठ साठ दिए मोटर पैनल लगता है, मोटर खराब है। आ जाएंगे भाई, पर पाँच मिनट लगेंगे। पा देंगे भाई, इसकी मोटर कहाँ है यार? मोटर नहीं है, तू कहाँ चल? बांध रखा है ये, बांध रखा है सर। मोटर कितने की होगी? सोचो तो चल, तेरा ठीक हो गया मान लिया ना। अरे चैन मशीन ले यार, मान में सामान नहीं मिलता भाई साहब। ये लगेगी यार, तार भी बांध रखे बंदे ने, मैं एकदम भाग गई। मोटर में है नहीं, बैटरी पे चेक करा दो बड़ी मशीन मशीन। एक मिनट जी, ये सूजी ठीक करना है काम है। भाई मोटर चेक करा, अगला से मोटर शॉर्ट है, मोटर शॉर्ट है। मोटर चेक करके दे भाई, खराब मोटर, मोटर खराब भाई साहब, चल नहीं रहा है भाई। ठीक है, ये वहाँ तो चल पड़ा, करंट कम तो नहीं है? करंट कम होगा इस करके, अभी यहाँ चेक करो मोटर भाई। ये पढ़ा तो भाई लोगों, स्विच चेंज करने के बाद भाई, मोटर चेंज करने के बाद भाई ये वर्क नहीं कर रहा है, पता नहीं भाई क्या ही प्रॉब्लम है। फिलहाल भाई मोटर भी ठीक है, स्विच भी भाई करंट दे रहा है, बट पता नहीं क्या ही दिक्कत है। चलो देखते हैं भाई क्या होता है। फिलहाल भाई ब्रेकफास्ट मैंने किया नहीं है सुबह का, टाइम पता क्या होता है। 1:44 भाई लोगों, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, देखते क्या करते यार। ठीक हो जाए मेरा तो भाई बहुत बेस्ट है। तो भाई वो नया स्विच आ चुका है, अब देखते हैं। छुट्टी से शॉर्ट है, मशीन तो बड़ी हो जाएगी। सुसु बढ़ा दे, मैं मेरी भी है आपका भी है। सुसु बढ़ा दे, चार वाला नहीं, दो वाला है। वाकई वाकई, ये बीच में खुद तो नहीं रुक जाएगा? ना 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 ना, प्रॉपर नहीं फ्रेश का कुछ नहीं। तो भाई अभी हम जा रहे हैं संजीव मोटर पे, ये वाला पार्ट वापस करने भाई, जो हमने टेस्टिंग के लिए लिया था। चलो भाई बाकी सब ठीक हो चुका है, अब चलते टाइमली, बाकी फिटमेंट चली भाई। देखा ना? हाँ जी हाँ, संजीव मोटर, बिल्कुल। चलो फाइनली भाई, अब जो अपने है पावर विंडो वो कर लेगी वर्क, और भाई का भाई बिना शीशे के काम भी नहीं चलता, क्योंकि ड्राइवर साइड का मेन शीशा है। चलो ये काम हो चुका है, बट भाई इसका ना हॉर्न भी नहीं बजता, हॉर्न बजाने के लिए इसमें सिस्टम दिया गया है यहाँ पे। तो भाई लोगों, ये रही फाइनल फिटमेंट अपने मिरर की, देन भाई इसके बाद हो चुका अपना काम डन। इस वाले जुगाड़ से भाई इसका पूरा काम किया गया था। चल पड़ा ओके। चलो भाई अपना काम हो चुका है डन, फिटिंग करते हैं, भाई पेमेंट करते हैं और चलते हैं रूम की ओर। टाइम हो गया है 2:00 भाई। तो भाई लोगों, टाइम फॉर पेमेंट। देख भाई
मेरे भी आ गए, तेरे भी आ गए। कितने तेरे? मेरे 400 हैं। ठीक है ब्रदर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू भाई। ये कितने का? भाई लोगों, फिलहाल हमने पार्ट लिया है बंसल मोटर से, तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हो भाई। अब चलते हैं वापसी की ओर। पेमेंट हो चुकी है डन लगभग भाई, हमारा 1700 रुपये का खर्च भाई यहीं पर आ गया है। रीज़न भी कि भाई इसमें मोटर बिल्कुल भी नहीं थी, अगर मोटर होती तो भाई 300-400 रुपये में हो जाता काम। 300 रुपये रिपेयर था भाई अपना स्विच का। तो चलो मेन बात है भाई, अपना जो है काम वो हो चुका है, तो करते गाड़ी को स्टार्ट और देखो भाई अब जाके सिस्टम ठीक है। तो भाई चलते हैं अब रूम की ओर, और टाइम मैं आपको बता दूँ भाई, मैंने अभी खाना भी नहीं खाया, 2 बज गए। तो अब चलते हैं भाई, निकलते घर की ओर। और भाई इसकी फ़िलहाल ना वैसे इंश्योरेंस भी नहीं है, तो आज इंश्योरेंस होने भी नहीं वाली है। मैंने भाई ओरिएंटल में पता किया था अपने एरिया में, तो उन्होंने बोला भाई वैसे नहीं होगी आज, क्योंकि आज है सैटरडे, अब मंडे को इंश्योरेंस होगी, क्योंकि इन फ्यूचर भाई हमने इसकी जो है NOC वो कटवानी है, और जब भाई NOC कटवाएंगे तो इंश्योरेंस का ये भी भाई चेंज करवाना ही पड़ता है। तो भाई लोगों, टाइम फॉर लीव। स्विफ्ट वाले ने जाम ही लगा लिया भाई, पता नहीं भाई क्या ही कर रहा है भाई, बहुत जोरों की लगी है। चलो फिर भाई थैंक्स करते हैं माँ लक्ष्मी मोटर का, जहाँ पे भाई हमने काम करवाया अपना। ठीक है अंकल जी, ठीक है। फिलहाल आपने भाई थोड़ा बहुत देख लिया होगा मार्केट, ज़्यादा का भी टाइम नहीं, क्योंकि भाई घर भी निकलना है, बाकी कोई जगह नहीं। तो फिलहाल भाई अब आपको आगे जाकर कभी दिखाएंगे भाई मार्केट अच्छे से ना, अभी फ़िलहाल घर भी निकलना है, गाड़ी चलाते हुए व्लॉगिंग करना है, डर वाला टास्क। तो हम भाई ऐसा करते हैं अपने कैमरे को रखते हैं साइड में, क्योंकि आप ध्यान देते हैं रोड पे। तो भाई लोगों, अभी हम पहुंचने वाले हैं बजाज सर्विस सेंटर, और टाइम हो चुका है भाई 2:24। तो एक बार भाई अपने जो 220 का हाल भी देखते हैं, जिसका काम स्टार्ट हुआ या नहीं, और साथ ही साथ मेरे जो एक फ्रेंड है उसकी भाई मैग्नेटिक कॉइल चलेगी RS 200 की, वो भी पता करते हैं। फिलहाल मैं बजाज भाई पहुँच ही चुका हूँ, हो रही सामने भाई बजाज। तो एक बार भाई यहाँ पर पार्ट्स का पता करते हैं और अपनी बाइक भी देखते हैं। तो भाई लोगों, फिलहाल हम पहुँच चुके हैं बजाज सर्विस सेंटर, हो रही अपनी बाइक, अभी कोई काम स्टार्ट नहीं होता। तो फाइनली भाई अपने को पार्ट तो भाई मिल चुका है, और अपने जो 220 है भाई फिलहाल उसका काम अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, जो अपना सर्वेयर है वो ही नहीं आए। फिलहाल भाई हमें मिल चुका है अपने दोस्त का पार्ट, हम लोग का पार्ट। तो ये रही भाई उसकी मैग्नेटिक कोयल, भाई ये हमें पड़ी है 1481 रुपये की, पता नहीं भाई वो बाइक के साथ क्या क्या करता रहता है ये भाई मैग्नेट कोयल। चलो जो चीज़ भाई उसने हमारे से मंगाई हमने ले आए। अब चलते भाई रूम की ओर, भूख लगी है जोरों की। सो दोस्तों फाइनली भाई हम पहुंच चुके अपने रूम, सबसे पहले चलते दोस्तों खाना खाने, क्योंकि भूख बहुत जोर की लगी है। और भाई यहाँ देखो बाहर प्यारे प्यारे पपी भाई खेल रहे हैं, बस भाई दिक्कत इनके साथ यही है टायर के नीचे चले जाते हैं। टाटा भाई भाई मिलेंगे बाद में। फाइनली दोस्तों फिलहाल हम हो चुके हैं रेडी, और टाइम हो चुका है 4:43। तो भाई अब हम जा रहे हैं घर की ओर। फिलहाल भाई काफ़ी टाइम हो गया, और अभी मैंने भाई मनी मार्जा भी जाना है और सेक्टर 22 भी जाना है, थोड़ा बहुत भाई वहाँ पर भी काम है, थोड़ा बहुत सामान वहाँ से लेना है, देन भाई चलते हैं और देखते हैं भाई हम घर कब तक पहुँचते हैं। तो चलो चलते हैं। फिलहाल भाई मैंने यहाँ पर सेटअप किया है इसका। तो दोस्तों टाइम फॉर फ्यूलिंग, क्योंकि भाई इसमें तेल बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी कम तेल है। सुबह ही दोस्तों हम पहुँच चुके हैं मोबाइल मार्केट, और भाई लोगों टाइम हुआ है 5:23। तो चलते हैं अपना काम करते, देन भाई निकलते डायरेक्ट। उसके बाद अभी भाई हमने मनी माजरा भी जाना है, और देखते भाई हमें अपना Insta360 का माइक अडाप्टर मिलता है या नहीं। फाइनली दोस्तों अपना जो काम है भाई हो चुका है डन, और भाई टाइम हो चुका है अभी 6:11। तो भाई फिलहाल अब जाना है हमने मनी माजरा की ओर। तो भाई हमने यहाँ से परचेज़ की एक बैटरी, और साथ साथ भाई हमने जो अपना GoPro का माइक अडाप्टर है भाई वो सेल कर दिया है। और दोस्तों हम लेने वाले थे अपने इंस्टा के लिए माइक अडाप्टर, बट भाई वो यहाँ पर अभी आउट ऑफ स्टॉक था, तो वो 1-2 दिन बाद आएगा, तो भाई जितने में हम वापस आएंगे तो उस टाइम ले लेंगे। तो फिलहाल चलते अभी मनी माजरा की ओर। तो चलो। तो भाई लोगों फाइनली भाई हम पहुंच चुके हैं मनी माजरा, और भाई टाइम पता क्या हो गया, टाइम हो गया भाई 6:40। तो भाई सामने रिकारन ऑटोमोबाइल, तो ऐसा करते भाई यहाँ पर फिर लाते अपनी गाड़ी, देन अपना काम करते फिर चलते हैं। फाइनली दोस्तों अपने जो काम है वो हो चुके हैं डन भाई, अब चलते हैं वापसी की ओर। तो यार दोस्तों टाइम हो चुका है भाई 7:45। तो भाई लोगों हियर इज़ द स्वीट्स। तो भाई ये हमने लिया भाई शार स्वीट से, काफ़ी फेमस स्वीट शॉप है,
और भाई उधर है अपनी गाड़ी उधर साइड, तो चलते हैं अब। भाई लोगों आज हो रही है चेकिंग अगेन उसी पॉइंट पे भाई जहाँ पर हमारा लास्ट टाइम चलान हुआ था 5000 का। चलो देखते हैं क्या होता है। लोगों जिस जिसने भी ड्रिंक करी है उसके चलान हुए हैं, जैसे कि भाई सफारी वाले भाई को पकड़ा हुआ था। चलो फिलहाल भाई चेक नहीं किया क्योंकि हमारे पास इंश्योरेंस है नहीं। दैट वाज भाई ये हमारे गुड लक थे। सो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके भाई अपनी मंजिल पे और भाई टाइम हो चुका है अभी 1:38। चलो भाई फिलहाल सही टाइम पर पहुंच चुके हैं भाई, अब करते हैं रेस्ट, मिलते हैं आपसे कल। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद जय भारत।